Good morning, students. Now it is the evening, and today I am going to give the cutoff marks of two pass IGNU NET and SLED. Okay. तो IGNU में या तो NET में या तो SLED में पास होने के लिए उसका cutoff marks कैसे होता है? उसका बारे में समझा रहा हूँ अभी. सभी students ने जो IGNU में या तो नेट एग्जाम दे रहा है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशली दोस हु आर स्टार्टिंग इन IGNU एंड इवन दोस हु आर अपीयरिंग इन नेट एंड स्लेट एग्जाम्स. ओके, सो दिस थिंग्स द न्यू स्टूडेंट्स, द न्यू कमर स्टूडेंट्स एंड इवन सम ऑफ स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू the IGNU marks for passing the examination and even in the NET and SLED also same category only. So but how much you need to score to pass IGNU exam, this one I'll give a clarification first, then I'll discuss for नेट. ओके, फर्स्ट टाइम यू लिसन केयरफुली. इसमें पहले देखो, मैं इग्नू का बारे में मैं बोलता हूँ इग्नू कैसे पास होता है. एग्जाम में जो लोग एग्जाम देता है तो उसमें क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने वो समझ में नहीं आता है उनको हम कैसे पास होता है. या तो एग्जाम देने के बाद भी जितना मार्क मिलता है ना, वो मार्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके, उसके बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है. तो मैं थोड़ा उसका आइडिया देता हूँ. देखिए, इसमें असाइनमेंट है, इसमें थ्योरी है. पकड़ लो, ये आप कोई भी एग्जाम दे रहा है, बीएड या तो एमएड जो भी हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, BMA और MA में जो भी कोर्स जो कर रहा है तो उसमें असाइनमेंट तो कंपलसरी होता है. ठीक है, तो असाइनमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट के लिए 100 मार्क के लिए असाइनमेंट जमा किया, तो 100 मार्कों में से वो कितना मिला, मैं देता हूं इसमें 80 मिला. ठीक है, तो 80 में इसमें वेटेज लिखा रहेगा, मतलब उसमें असाइनमेंट में तो वेटेज नहीं रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, वो थ्योरी में रहते हैं वेटेज बोल के. कोई भी क्वेश्चन में उसमें वेटेज की क्या है 70% लिखा रहता है, और थ्योरी में ऐसा नहीं, असाइनमेंट में ऐसा नहीं लिखा होता है, थ्योरी में होता है. थ्योरी कोई भी क्वेश्चन में वो लिखा होता है वेटेज 70%, और असाइनमेंट में तो ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी उसका गाइड बुक में वो लिखा हुआ है. तो मैं क्लियर कर देता हूं उसको, एक स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट में कोई भी सब्जेक्ट में उसको कितना मिला है, 80 मिला है. तो 80 में अगर ये 30% वेटेज होगा तो उसका कितना मार्क आएगा, इसको देखना है. पहले हम क्या करेगा, ये जो 30 है ना, वो 30 और 80 का हम कन्वर्ट करेगा 30% में. कैसे कन्वर्ट होता है देखो, मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या तो थोड़ा वो लेंथी भी कर सकते हैं. हम देखो 100 दूसरे में से कितना मिलेगा, 30 मिलेगा. ठीक है, और 1 में से कितना मिला था हमको, 30 हां बाय 100 ऐसा होगा. और इसके बाद 80 में हमें कितना मिलेगा, 80 में मिलेगा तो 30 इनटू 80 बाय 100 ऐसे आएगा. ठीक है, तो अभी हम ये 0 काटने से, ये 0 और 0 काटने से हम कितना मिला है, इसमें 24 मार्क मिला है, मतलब 3 8 24 हो गया ना. तो ये आपका कितना है, मतलब असाइनमेंट में आपने 24 मिला है. तो थ्योरी में हम अगर एग्जाम देने के बाद थ्योरी में कितना मिला है उसका ऊपर आपका डिपेंड करेगा. जैसे 100 मार्कों में से आप कितना मिला है, आप पकड़ लीजिए 65 मिला है एग्जाम्पल. ठीक है,
तो 65 अगर आपका मार्क हो गया और थ्योरी में, तो वो थ्योरी में 70% वेटेज करने से कैसे होगा, बात होगी सेम स्टाइल में आएगा, आप 102 में से कितना मिलना था 70% वेटेज होना था, तो 1 में से 70/100 होना था, है ना। तो उसके बाद ये 65 में से आपको कितना मिलना है, 70/65/100 आएगा। तो अभी क्या होगा, 0 और 0 काटने से हाँ हो गया, ये अभी कितना रह गया, 10 रहेगा, उसको मत काटो, हम उसको जोड़ देगा, जैसे कि ये 65 और 7 को मल्टीप्लाई करने से हम कितना मिलेगा, 5 42 42 43 44 45, ये हो गया ना, हाँ सही हो गया ना, 35 और 35 3 इन हैंड होता है 42, नहीं इतना नहीं होता है, ये तो 40 45 होता है, 55 ले लिया मैंने, 45 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें वो जो जीरो है ना, जीरो को मैं यहाँ डेसिमल लगा रहता हूँ, तो डेसिमल लगाने से मेरा थ्योरी में कितना मार्क मिला है, मतलब थ्योरी में आपको इतना मिला है 45.5 मिला है, और असाइनमेंट में आपको मिला है 24, तो ये दोनों जुड़ा जोड़ के कितना मिलेगा आपको, अभी वो टोटल आएगा। टोटल में कैसे होता है देखना, इसमें मैं कर देता हूं, इसमें 45.5 प्लस 24, ठीक है, तो उसको जोड़ने से कितना आएगा, ये 4 प्लस 5 हो गया तो 9, और ये इसका साथ 6 हो गया 5, मतलब कितना हुआ 69. आपका जो फाइनल है ना, फाइनल में आप इतना मिलेगा, थ्योरी में 70% वेटेज करके 65 का जो कन्वर्ट करके आपको 45.5 मिला है, और 80 में आपको असाइनमेंट में कितना मिला है, 30% वेटेज करके यहां 24 मिला है, तो दोनों को जोड़ने से हम कितना मिला है 69.5, तो ये आपका फाइनल स्कोर हो गया, या तो फाइनल रिजल्ट या तो मार्क हो गया, तो एक सब्जेक्ट में आपको इतना मिला है, ऐसे करके काउंट होता है इग्नू में। हाँ, तो इग्नू में कितना पास परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज मिलने से आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें 40% चाहिए आपको, पास होने के लिए 40% चाहिए, पहले बीए एग्जाम में 35% होने से पास होता था, अभी 35% नहीं है, बीए होने से भी या तो एमए, हाँ दोनों में आपको 45% चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये 69.5% मिलने आपको, मतलब आप पास है वही सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें और एक बात है, यहाँ अगर आपने ये थ्योरी में कितना मिला है और ये कितना मिला है वो भी डिपेंड करेगा, जैसे आपने, मैं देखा रहा हूँ ये, अगर आपने एक और दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन मैं देखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी क्या होता है, वैसे तो हमको चाहिए कितना 40% मार्क मिले थे हमको पास होना था, लेकिन 40% तो मेरा ज्यादा हो गया, लेकिन पास क्यों नहीं हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे इसमें देखो ये 100 उनमें से 30% वेटेज होगा, तो मेरा अगर इसमें कितना मिलना था, मैं 90 मार्क मिला वेटेज करके कितना आता है देखना, ये असाइनमेंट में मैंने जमा करने के बाद 90 मार्क मिला है, तो 90 मार्कों में से वही हिसाब से कितना आएगा, इसमें डायरेक्ट में कर देता हूं, इसको जोड़ देने से 27 होगा, डायरेक्ट में कर दिया, मतलब असाइनमेंट में आपने 27 मिला है, ठीक है, तो आपको 40% पास होने के लिए और कितना बाकी रह गया, सिर्फ 13 मार्क रह गया, तो इसमें आपने देख लीजिए इसमें आपको कितना मिला है, 35 मिल गया, ठीक है, 35 को आपने 70% को वेटेज करने से कितना आएगा, इसमें देख लेना, ये 100 रोज में से आपने 70% 70 था, तो 1 में से 70/100 आना था, और 35 में से कितना आएगा, 35 में से अगर जोड़ने से ये कितना आता है, देखो 35 ये 100 होने से ये 0 काट दिया, तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई करने से 5 3 35 होता है, 25
24 होगा, ठीक है, 24 पॉइंट इसमें मैं डाल देता हूँ क्योंकि वो जीरो है ना। तो अभी कितना आपका मार्क मिलेगा, देखो 27 प्लस 24 को जोड़ने से कितना मिलेगा आपको, 0.5 को रहेगा कि इधर 0.5 हो रहा है तो इसमें 1 मिलेगा, 4 और 5 हो गया, 51 मिल गया आपको। ये 51 आपका कितना मिला है, आपका चाहिए पास होने के लिए सिर्फ 40% चाहिए, पास मार्क तो 40% है ना, पास मार्क के लिए 40% है। तो आपने ये असाइनमेंट और थ्योरी को, हाँ, असाइनमेंट और थ्योरी को जोड़ने से आपका परसेंटेज आ गया 51.5। तो आप क्या पास हो गया? नहीं, पास नहीं हुआ, क्योंकि ये कंपलसरी है। असाइनमेंट में आपको जैसे भी 40% मार्क चाहिए आपको, मतलब कितना है, 100 में से आपको 40 मिलना है, और इसमें 100 में से वहां भी 40 मार्क्स मिलना पड़ेगा, मिलना चाहिए, ठीक है। तो 40 यहां भी 40 क्रॉस होना पड़ेगा, यहां भी 40 और 40 का ऊपर होना चाहिए, तो तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपने 90 मिलने से भी, यहां तो बहुत ज्यादा हो गया, 27 आता है वेटेज में, लेकिन इसमें 35 हो गया ना, तो 24.5 हो गया, तो ये दोनों जोड़ने से 51.5 होता है, तो पास तो नहीं हुआ क्योंकि आपका थ्योरी में फेल है, समझ में आया ना। अभी ये ऐसे करके इग्नू का जो कट ऑफ मार्क्स होता है ना, वो सिस्टम में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना, अगर नहीं समझते थे वो कभी ये कर देना, वहां कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसके बारे में, वो जो नेट और सिलेक में, नेट और सिलेक में कैसे होता है, देखो नेट में कैसे स्टूडेंट पास होता है मैं देखा रहा हूं। मैं नेट में वैसे तो 35% मिलने से एसटी के लिए पास डिक्लेयर किया जाता है, ये फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर का मतलब जो कंपलसरी पेपर होता है उस फर्स्ट पेपर में 35% होने से होता है, लेकिन ये जो सेकंड पेपर में या तो उसका ऑप्शनल पेपर में उसमें 40% चाहिए, तो फिर भी मैं दे रहा हूँ और कुल मिला के 35% होने से वो पास होता है एसटी लोग, ठीक है, जो एसटी कैंडिडेट है ऐसे पास होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरा भी ऐसा ही होता है, मैं जब एग्जाम दिया था मैंने कितना मिला था, 49.5 मिला, 49.7% मिला था, फिर भी उस टाइम में मैंने पास नहीं कर पाया, दूसरे टाइम में क्या उसके बाद हुआ। लेकिन अभी हम अगर एसटी को देखा जाए 35% होने से वो नेट क्लियर हो सकता है, तो मैं 49.7% मिला क्यों नहीं पास हुआ, वो अभी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो उसका कारण है, देखिए मैं पहले सबको समझने के लिए कोशिश करूं पहले कैसा है। इसमें देखो मैंने वो थोड़ा ड्रॉइंग करके ये इसमें लिख के रखा हूं, एसटी एससी जनरल या तो ओबीसी होता है ना, इसमें नेट में क्या होता है, मैं ऐसे लगभग दिया है वैसे वो एग्जैक्ट नहीं है, कई कई कुछ सालों में कभी ये 600 होता है, कभी 700 होता है वैकेंसी का बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने पकड़ लिया, मतलब कोई एक साल में वहां वैकेंसी 1000 है, मतलब 1000 तो वैकेंसी नहीं होता है, कभी कभी 700, कभी कभी 600, कभी 500 भी होता है नेट में, लेकिन मैंने 1000 पकड़ा, ठीक है। तो 1000 में से कौन कितना सीट मिलेगा, मतलब वो कैटेगरी का हिसाब से होता है, जैसे एसटी के लिए 7% मिलेगा, एससी के लिए 17% मिलेगा, उसका पॉपुलेशन का हिसाब से वो किया जाता है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए 6% मैंने पकड़ा है, उसका कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा यार ऐसे दिखावाने दिखाने के लिए, तो इसमें क्या है जनरल और अदर्स में 70% है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितना आता है, देखो अगर एसटी होगा तो 1000 में से कितना मिलेगा, अगर 7% होगा तो उसका सीट
सिर्फ 70 ही 70 कैंडिडेट ही मिलेगा उसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ, ये एससी में अगर 17% को 170 उनको जितना कैंडिडेट है उनको इतना दिया जाएगा, और अदर या तो जनरल में 700 दिया जाएगा, और ओबीसी को 60 कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं देखा रहा हूँ एसटी के लिए, एसटी में क्या होता है, हमारा सीट सिर्फ कितना है, सिर्फ 70 सीट है वहाँ वैकेंसी, ठीक है। उसमें सीट कितना है, 70 वैकेंट है, ठीक है, 76 वैकेंट है। तो 76 वैकेंटों में से कितना, कम से कम वहां कितना होता है, एक कोई भी साल में या तो सेमेस्टर में क्या होता है, हर 6 महीने के बाद जो एग्जाम हो रहा है ना, तो नेट का, तो इसमें कितना होता है, कितना कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट वहां अपीयर होता है, तो एक एसटी कैंडिडेट कम से कम वहां एक सेमेस्टर में या तो 6 महीने के बाद जो एग्जाम होता है उसमें पकड़ लीजिए आप, ये लगभग मैंने पकड़ा है 5000 स्टूडेंट्स ने वहां अपीयर किया है, कैंडिडेट अपीयर किया है। तो 5000 स्टूडेंट्स या तो कैंडिडेट अगर अपीयर हुआ हो तो उसमें क्या होगा, हमको सिर्फ 70 स्टूडेंट ही चाहिए। तो उसमें कितना है, कोई किसी ने मिला है 70% कट ऑफ मार्क्स और किसी ने मिला है 80%, ऐसे करके धीरे-धीरे कम पे आएगा, जैसे 70% ये, उसके बाद 65%, उसके बाद 60%, ऐसे करके धीरे-धीरे कम पे आएगा। तो वहां पूरा जो हाईएस्ट मार्क मिला है वो 70% है एसटीओ में से, तो नीचे वाला जितने लोग है इसमें से, यहां से लेके नीचे कितना तक हम कम कर सकता है, इसमें नीचे वाला हम पकड़ लीजिए पूरा 5000 में से जितना भी हो ना कि वो 5000 में से हम वहां से गिन के एक दो करके कितना स्टूडेंट को रखेगा, वहां ऊपर का जितना मेरिट है उसको हम रखेगा। तो इसमें 70 स्टूडेंट सही हमको, या तो 70 कैंडिडेट ही हम रख सकते हैं। तो इसमें वो लास्ट वाला जो है ना उसका 53% आ गया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में, वहां तो बहुत सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट होता है ना, तो 14 सब्जेक्टों में से कोई भी सब्जेक्ट में आप वहां अपीयर हो गया, या तो इसको हिस्ट्री में पकड़ लीजिए, ठीक है, वो इस हिस्ट्री सब्जेक्ट में जितने स्टूडेंट्स वहां अपीयर हुआ है, 5000 कैंडिडेट अपीयर हुआ है ना, तो उनमें से आपको 70 स्टूडेंट ही रखेगा, ठीक है। तो 70 स्टूडेंट्स को रखने के लिए वहां ऊपर से जितने मार्क मिला है, हाईएस्ट जो टॉप मार्क मिला वो 70% मिला है, तो उसको तो मिलेगा ही, उसके बाद धीरे-धीरे कॉम्पटे आएगा वो तो गिन के आएगा, या तो परसेंटेज वहां हमें लास्ट जो मिला है ना, तो वहां कमते वो लास्ट में जितना मिला है वो 53% हो गया। तो इसमें जो कट ऑफ मार्क्स 53% को ही, वो इतना तक ही मिलेगा, वो बाकी नहीं मिलेगा। तो उस साल में आपको कितना है, अगर हमें वहां ये एसटी के लिए अगर 35% में अगर पास वो तो क्वालिफाई होने के लिए दिया हुआ है, या कितना मिलने से आपको पास हो सकता था ऐसे दिया है, लेकिन उसमें क्या होता है, सीट कम होने के कारण इसमें आपको और ज्यादा मार्क वहां उठाना पड़ेगा, या तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी हिसाब से वो नेट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स होता है ना, उस सिस्टम में कट ऑफ मार्क्स होता है, ठीक है, वो सिलेक्ट में भी ऐसा है, नेट में भी ऐसा है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया, उसमें अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो थोड़ा और क्लियरिटी होने के लिए आप लोग ये कहिए, वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, थैंक यू।